आखिरी बार भूत देखने के बाद आलिया और कुंवर की हालत खराब होती है। शायिका ऐसे बिहेव करती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, फिर कहती है कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं अभी दूंगी। अभी मैं थोड़ा स्पॉइलर दे देती हूँ, लास्ट एपिसोड देखने के बाद मुझे आइडिया नहीं हो रहा था कि क्या हुआ होगा। फिर लगा कि कहीं मेहमत ने तो हेल्प नहीं की, क्योंकि उसी ने शायिका को समुंदर में फेंकवाने का आइडिया दिया था। अब आगे बताती हूँ कि क्या हुआ, कमेंट्स में बताना किस किस को मेहमत पे शक हुआ था। फ्लैशबैक होता है जहाँ हर सीन कट करके दिखाया जाता है। शायिका कंगारू से अकेले में मिलती है और उसे आलिया से फिलहाल कोई राब्ता रखने से मना करती है, जस्ट उसकी बात सुनने कहती है और उसे इन्फॉर्म करने कहती है जब मेहमत उसे कॉल करेगा। फिर शायिका किसी जेल के चीफ को कॉल करके पता करती है कि मेहमत ने वहाँ किसी पुराने कैदी का पूछा था कि नहीं। शायिका के रिश्वत देने पर उस चीफ ने मेहमत को उस्मान नाम के किसी आदमी का बताया। नेक्स्ट सीन में मेहमत कंगारू को कॉल करता है मिलने के लिए। उसके बाद वाले सीन में शायिका एक आदमी से मिलती है जो उसे कुछ ऑफिशियल पेपर्स देती है जो फर्जी है। वो आदमी फर्जी पेपर्स बनाने में माहिर है और साथ में शायिका ने उसी आदमी को आज कोई चीज़ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए तैयार किया है, पैसे भी दिए हैं। अगले सीन में मेहमत कंगारू के घर आता है और अंदर शायिका बैठी है। मेहमत को कहती है कि मैं कुछ बताऊंगी तुम्हें, अगर सही ना लगे तो तुम चले जाना। वो मान जाता है तो शायिका कहती है कि हसन ने ही तुम्हारे डैड को मरवाया। फिर उसको कुछ बिल्स दिखाती है सबूत के तौर पर कि हसन ने जिस आदमी से कत्ल करवाया यानी इरफान काराबुलुत, उसके फैमिली को हसन पैसों से मदद करता है। ये वही फर्जी पेपर्स है जो शायिका ने उस आदमी से लिया था। मेहमत कायल हो गया। वो शायिका से पूछते हैं कि उसको आखिर क्या चाहिए। शायिका कहती है कि हसन को जेल भिजवाना है, वो मेरा कत्ल करेगा और जेल जाएगा, जिससे मेरा और तुम्हारा दोनों का बदला पूरा होगा। कंगारू मेहमत को सब समझा देता है कि क्या करना है। नेक्स्ट सीन में प्लान मुकम्मल होता हुआ दिखाया जाता है। शायिका के जमाल घुट्टे वाले मिठाई जब ऑफिस में बट रही थी तब मेहमत ने अपनी मिठाई डस्टबिन में फेंक दी, मतलब पेट खराब होने का नाटक कर रहा था। उसके बाद मेहमत हसन अली से कहता है कि हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, हम भी उनके खाने में केमिकल्स डाल देंगे। इसी पॉइंट पे हसन अली वो शलगम वाले जूस पिलाने की बात सोची होगी, यानी शायिका ने इसी काम के लिए जमाल घुट्टा का आइडिया दिया था। हसन मेहमत की बात मान गया। ये बात मेहमत शायिका को बताता है तो शायिका उसे एक और काम देती है, वो है मैनेक्विन का। ये आपको इस सीन में पता चलेगा। मेहमत शायिका की तरह लगने वाली एक मैनीक्विन या कहो पुतले को एक कारपेट जैसी चीज़ में लपेट के अपने कार के डिक्की में रख देता है। प्लान के हिसाब से हसन शायिका को बुलवाता है। शायिका हसन के पास जाती है लेकिन दरवाजे के पास कैमरे से बच के वो एक दवाई पीती है। ये एक ऐसी दवाई है जो कुछ देर के लिए हार्ट बीट धीमी कर देती है, यानी जिंदा होते हुए भी हार्ट बीट चेक करने पर लगेगा कि धड़कन रुक गई है। उसके बाद शायिका अंदर जाके सलगम का जूस पीती है और तड़पने का नाटक करती है और सबूत रखने के लिए वो अपना एस वाला लॉकेट नीचे गिरा देती है। फिर वो बेहोश हो जाती है और दवाई के असर के हिसाब से उसकी धड़कन धीमी हो गई। और हसन जब उसकी हार्ट बीट चेक करता है तो वो समझता है कि शायिका मर गई। मेहमत फिर शायिका को कारपेट से लपेट के घसीट के लेके जाता है और अपने कार की डिक्की में रख देता है। फिर समुंदर के पास जाकर उस पुतले को फेंक देता है। ये सब ये वाला आदमी रिकॉर्ड कर रहा है। और यहाँ शायिका गाड़ी में जिंदा है। वो मेहमत से कहती है कि इसके बाद मैं हमेशा के लिए काया के पास चली जाऊंगी और तुम बिल्कुल नहीं फंसोगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। हसन अली जेल जाएगा और तुम्हारा बदला पूरा होगा। मेहमत के जाते ही शायिका अपने से कुछ कहती है जिसे समझ आता है कि मेहमत को भी फंसाने वाली है वो। इन शॉर्ट शायिका ने मेहमत को फर्जी पेपर्स से कायल किया, जमाल घुट्टा वाला सीन किया ताकि हसन बदला लेने उसे घर बुलाए और कुछ ऐसा हो जिससे वो मरने का नाटक कर सके, और मेहमत को फंसाने के लिए उसने ये सारे सीन उस फर्जी पेपर वाले आदमी से रिकॉर्ड करवाए। ये सब सुनने के बाद आलिया शायिका से कहती है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। शायिका कहती है कि तुम लोगों से ये सब नहीं हो पाता। आलिया कहती है कि जो भी हो बहुत ही कमाल का प्लान था, अब शेयर्स वापस मिल जाएंगे। कुंवर तो अभी भी शॉक में है शायिका को देख के, मुर्दा जिंदा कैसे हो गया। उनका प्लान है कि कल आलिया हसन अली से जाकर अपने और शायिका के शेयर्स वापस मांगेगी। शायिका के शेयर्स काया के लिए मांगा जाएगा ताकि हसन को शक ना हो, और उसके बाद वो लोग हसन अली से उसके 20% शेयर्स मांगेंगे, उसमें से 10% शायिका का होगा और 10% आलिया का। रही बात मेहमत की तो शायिका उसे खलील की तरह रखने का सोच रही है। वो दो दिन तक घर से नहीं निकलेगी जब तक शेयर्स ना आ जाए। ऑब्वियसली आलिया को धमकी दे चुकी है कि बिना चालाकी किए शायिका के शेयर्स शायिका के नाम कर दे वरना अंजाम बुरा होगा, आलिया गारंटी देती है। कल रात आलिया के हंगामे के बाद जुनैद परेशान और गुस्सा है, और जब गुस्सा आता है तब किस पे निकालना चाहिए, यिल्दिज़ पे। ये तो डेली रूटीन है।
फरीदा भी टेंस्ड है, हसन अली भी टेंस्ड है, जुनैद सबको समझाता रहता है। इसी बीच फरीदा के फ्रेंड्स ने यिल्दिज़ से मिलने की ख्वाहिश की है और फरीदा बहुत दिनों से टाल रही थी क्योंकि वो यिल्दिज़ को नहीं दिखाना चाहती थी। उसके हिसाब से यिल्दिज़ की कोई क्लास नहीं है, आखिर में उसे मिलवाना ही है। गुलनार आके यिल्दिज़ से कहती है यह बात और उसे प्यार से समझाती है कि फरीदा जो भी कहे मान जाना, तब काम बन जाएगा। यिल्दिज़ कहती है कि आप इतनी अच्छी है, काश आप मेरी सास होती। उसके बाद फरीदा आती है और वो उसको इस रिवाज का बताती है कि हमारी सहेलियाँ आती है बहू देखने, तो तुम्हारी ड्रेसेस उन्हें पसंद नहीं आएंगी, चलो तुम्हारे लिए नई ड्रेस लेते हैं। यिल्दिज़ मान जाती है। इसी बीच चांसू की कॉल आती है, यिल्दिज़ को कॉफ़ी के लिए पूछती है। यिल्दिज़ अपनी सास का बताती है कि वो लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं पास वाले स्टोर में। चांसू कहती है कि मुझे कुछ चाहिए था तो मैं भी आ जाती हूँ। चांसू को यिल्दिज़ और फरीदा का सुलह होना पसंद नहीं आ रहा, इसलिए वो उनमें फूट डालने जा रही है। आलिया हसन के पास जाती है, वीडियो दिखाती है। हसन घबरा जाता है, कहता है कि ये सब मैं नहीं जानता। फिर महमत पे इल्ज़ाम लगाने लगता है। आलिया उससे उगलवाही देती है कि उसी ने शाइका को मारा। आलिया कहती है कि या तो फिर मेरे और शाइका के शेयर्स वापस करो या फिर जेल जाओ। हसन कहता है शेयर्स, उसके पेपर्स तो मैंने कब का रेडी करके रखा हुआ है। आलिया कहती है कि मैं जिंदगी भर के लिए इस कंपनी की शेयर होल्डर बनने का हक चाहती हूँ। हसन कहता है कि शाइका के शेयर्स का आप क्या करेंगी। आलिया कहती है कि उसके भाई को दे दूंगी। अब आलिया असली खेल शुरू करती है, वो हसन के शेयर्स मांगती है। हसन गुस्सा हो जाता है। आलिया कहती है ज़्यादा नहीं, बस 20%, और वैसे भी मर्डर का केस जल्दी पीछा नहीं छोड़ता। इस बात से डर के हसन उसे कहते हैं कि मैं अपने शेयर्स दे सकता हूँ, पर मेरे शेयर्स में एक शर्त है, वो ये है कि मेरे शेयर्स या तो मेरी फैमिली के सदस्य को मिल सकती है या फिर मेरे सरनेम रखने वाले इंसान को। दूसरा तरीका ये है कि आपको मेरे शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। आलिया कहती है जो भी हो आप सोचो इस बारे में, समझे ये सरनेम वाला चक्कर, नहीं समझे तो बाद में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय।